हेलो मैम नमस्ते। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इज इट रियली वर्थ टू अप्लाइंग फॉर कनाडा करंट सिचुएशन में, स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, LMI पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव होता है, परसेप्शन होता है कनाडा को देखने का। कोई स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है, कोई LMI पे आना चाहता है, कोई वर्क परमिट पे आना चाहता है, कोई डायरेक्ट PR पे आना चाहता है, कोई बिजनेस वीज़ा पे आना चाहता है। और बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम अगर आ भी रहे हैं तो हम कौन से प्रोविंस को चूज़ करें, ऐसे कौन से प्रोविंस में जाएँ जहाँ पर हमें ईजिली PR मिल जाए, जहाँ पर हमें आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ पर हमें धक्के ना खाना पड़े। देखो आई वुड से अगर आप ऑन्टेरियो, क्यूबेक या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में जाते हो, वहाँ पे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सारी मिल जाएगी, आपको वहाँ पे नाइट लाइफ, लोक कल्चर, इवेंट, फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट मेक श्योर आप जिस प्रोविंस में जा रहे हो आपको वहाँ पे इजी PR मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो DL अप्रूव्ड है या नहीं है, और जिस सिटी में जा रहे हो, क्या जिस टाउन में जा रहे हो, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो ही जाओ। देखो ब्रिटिश कोलंबिया, ऑन्टेरियो, क्यूबेक प्रोविंस, इट्स अ ग्रेट प्रोविंस, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ होता है। बट इशू क्या है वहाँ पे, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है करंट सिचुएशन में, लास्ट 1.5 ईयर से, आगे भी ऐसा ही रहेगा। कनाडा रिसेशन में है, अगर आपको लगता है नहीं है तो आप गलतफहमी है। कनाडा में इन्फ्लेशन है, बहुत है, अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, जॉब इतनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इतना होता नहीं है। तो कनाडा करने के आ रहे हो, आपका मेन पर्पज़ क्या है, टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होता है टू कम टू कनाडा, हर कोई अपने तरह से स्ट्रगल करता है, हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती है, किसी कंडीशन नहीं होती है, हर किसी का कनाडा को देखने का पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट है। आई विल टेल यू, मैं 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड। अब अपने आप समझोगे कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, इट्स टोटली योर चॉइस। एंड अगर आप आते हो तो कौन से कोर्स को आपको लेना चाहिए। देखो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, बट आई वुड से कनाडा की अभी जो कंडीशन है वो बहुत डामाडोल है, बहुत ख़राब है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, MRP यहाँ पे होता नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पार्ट अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस एंड इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी। बट एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, या अगर आप आते हो तो आपको लाइफ की वैल्यू समझ आ जाएगी और पैसे की वैल्यू क्या है वो समझ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, LMI पे आ रहे हो, तो आप इन दोनों वीज़ा पे आ रहे हो, आपको इन दोनों चीज़ों की वैल्यू समझ आएगी कि लाइफ की वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी होम कंट्री में लाइफ बहुत ईजी है, तो यहाँ पे 3 times हार्ड है। मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे वो काम करना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपको लगता होगा कि मैं जो आपको लगता होगा यार इंडिया में ये काम करेगा, मतलब डिलीवरी का वर्क हो, क्या आपको रिटेल में वर्क करना हो, अटेंडेंट का वर्क करना हो, बार में वर्क करना हो, आपको क्लीनिंग का वर्क करना हो, डिशवॉशर का वर्क करना हो, कारपेंटर, मैकेनिक, प्लम्बर, ग्राफिक डिज़ाइन, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग यू हैव टू डू अ वर्क। अगर आपको सर्वाइव करना है, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड, यू हैव टू बी एडजस्टेबल, यू हैव टू डू एनी वर्क, डजंट मैटर। अगर आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स नोन में कोई कनाडा में है, उनसे गाइड लो, उनसे गाइडेंस लो, उनसे पूछो उनकी लाइफ कैसी है, यू विल गॉट टू नो कि लाइफ यहाँ कैसी है। कनाडा को जो बाहर से देखने में लगता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, जो आपको इंस्टाग्राम की रील्स में, यूट्यूब पे दिखता है, आप जब कनाडा आओगे आपको अकल ठिकाने आपकी आ जाएगी। कनाडा ये वो कनाडा नहीं रहा जो 2016-17 में था, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखो चीज़ें अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन अभी जो नेगेटिव चीज़ें है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ों में। अगर आप इमिग्रेंट हो, आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, तो मेक श्योर ये वीडियो ज़रूर देखना टिल द एंड तक। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करना, एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए यू कैन हैव टू सब्सक्राइब इट। सो इफ आई टॉक अबाउट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, देखो जॉब अपॉर्चुनिटी कनाडा में इतनी नहीं है, जॉब्स इतनी नहीं है। जॉब आपके पास तभी होगी जब आपके पास स्किल्स होगी, अदरवाइज अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप ऐसी मूड उठा के आ जाओगे तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा। जॉब तभी है जब आप हेल्थ के डिपार्टमेंट में, मेडिकल फील्ड से डॉक्टर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जब आपको पैसा कमाना आता है, जब आपके पास स्किल्स है, आप स्किल बेस्ड वर्क कर सकते हो, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, या आप कारपेंटर का वर्क कर सकते हो, इवन आप बार्बर का भी वर्क करना चाहो या कर सकते हो, अगर आपको आता है दैट वुड बी गुड, अगर आपको नहीं आता लर्न इट, इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो कनाडा में इन्फ्लेशन काफ़ी है, डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, इन्फ्लेशन काफ़ी है। यहाँ पे MRP नहीं होता, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता, सो जितनी भी कॉमोडिटीज़ है, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, सारी एक्सपेंसिव है, बिकॉज सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है लैटिन कंट्रीज से, मैक्सिको से, कोलंबिया से, पेरू से, गौतमाला से। सो इट वुड बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव इफ़ यू डोंट हैव जॉब। अगर जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं कमाओगे, आपके पास पैसा होगा नहीं, तो आप चीज़ें खरीद नहीं पाओगे। सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा, डजंट मैटर आप किस सिटी में, डजंट मैटर आप किस
प्रोविंस में रहते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पीआर के रिगार्डिंग, देखो यार पीआर मिलना यहाँ पे कनाडा में डिफिकल्ट हो गया है, और स्टडी वीज़ा पे आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर की अगर आप पीआर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो आपको पीआर मिलेगा मिलेगा। फॉर डैट इफ यू वॉन्ट पीआर एज सून एज पॉसिबल चूज योर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोविंस वेरी वाइजली। अवॉइड ब्रिटिश कोलंबिया ऑन्टारियो क्यूबेक प्रोविंस बिकॉज वहाँ पे सीएल स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, इमिग्रेंट्स वहाँ पे काफ़ी सारे जा रहे हैं, रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं, स्टडी परमिट पे लोग वहीं पे जा रहे हैं। ऐसे प्रोविंस को चूज करो जहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत ईजी, जहाँ का पीआर पाथवे काफ़ी ईजी है, लाइक सस्कैचवन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। देखो इस हर प्रोविंस के रिगार्डिंग मैंने हर प्रोविंस के प्रो एंड कॉन्स के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई वुड रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियो ऑल्सो, एंड आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन एजेंट या कंसल्टेंट के ट्रैप में मत पड़ो, अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है, रिसर्च करो क्या कोर्स ऑप्ट करना है, कहाँ जाना है, किस प्रोविंस में जा रहे हो, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस कहाँ कहाँ पे है, अगर कैंपस यहाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स होगी तो अच्छी बात है, स्किल्स नहीं है लर्न इट, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ जॉब, क्योंकि जॉब होगी पैसा कमाओगे तो चीज़ें खरीद पाओगे, और खरीद पाओगे तो डिप्रेशन टेंशन एंग्जाइटी नहीं होगी, और अपने सारे एक्सपेंस निकल पाओगे, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली, अगर आप करना चाहते हो अगर कर पाते हो तो एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंस तो निकाल ही लोगे, और तो कुछ नहीं है। देखो आप कनाडा अगर फर्स्ट टाइम आए हो ना तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बुरा है, काफ़ी ख़राब है, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ख़राब है, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक एडमंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर या टोरंटो, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तब भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप पब्लिक बस लेते हो, ट्रैम से भी लेते हो, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी ज़रूर खरीदना, गाड़ी लेकिन आप तभी खरीद पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप उसका इंश्योरेंस, जब आप उसकी ईएमआई पे कर पाओगे, जब आप उसे कैश में खरीद पाओगे, जब आपके पास जॉब होगी। सो लर्न स्किल्स, घुमा फिरा के आपको स्किल्स भी आऊँगा, स्किल्स यहाँ पर बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मास्टर्स से है, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग करी है, बट जो मैं जॉब करता हूँ, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे तीन चार, डैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट है, और मेरे पास आर्ट लाइसेंस है। सो लर्न इट, जितना सीखोगे, जितना लर्न करोगे, जितना एडजस्टेबल होगे, जितना कंफर्टेबल आप चीज़ों को कर पाओगे, जितना आप मेंटली स्ट्रांग होगे, उतना आपके यहाँ पे लाइफ ईजी चिल रहेगी, उतना आप सक्सेसफुल रहोगे, अदरवाइज बाकी लोगों की तरह आप भटकोगे, जैसे बाकी लोग भटक रहे हैं पीआर के लिए, जॉब्स के लिए, आपको भी भटकना पड़ेगा। सो मेक श्योर कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, मेक श्योर आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, यहाँ पे ये चीज़ें होना बहुत लाजमी है, ये बहुत कॉमन है, डजेंट मैटर आप किस वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो आपको तो होगा ही होगा, LMI पे आ रहे हो तब भी होगा, ये बहुत मैटर करता है कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट है तो आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी होगी, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपको समझ सकते हो, आप उन्हें समझ सकते हो तो आपकी लाइफ ईजी होगी, मतलबी लोग होंगे तो आपकी लाइफ यहाँ पर टफ हो जाएगी, नौकरी नहीं होगी तो आपकी लाइफ टफ हो जाएगी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा। जब भी मैं स्किल्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ ना तो ये बहुत मैटर करते हैं, सीरियसली मैटर करते हैं, स्किल्स हो गया ना आप कुछ भी कर सकते हो, स्किल बेस्ड जॉब करोगे आपको पीआर में भी हेल्प करता है, आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की स्किल्स है ये भी आपको बहुत हेल्प करता है, पार्ट टाइम जॉब में, फुल टाइम जॉब में, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आपको पीआर में भी हेल्प करेगा, डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो। देखो डिप्रेशन, टेंशन होना हमें बहुत लाजमी है, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे अगर स्टडी परमिट पे आता है तो वो अपने पे इन्वेस्टमेंट करके आता है, FD तोड़ के, सेविंग तोड़ के आता है या लोन लेके आता है, उसका मेन मकसद क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे प्रोविंस में जाना है जहाँ मेरे को जल्दी पीआर मिल जाए, जहाँ मेरे को आराम से पीआर मिल जाए, मुझे आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनूँ, मुझे उनसे पैसे मंगवाने ना पड़े, मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगी तो मैं अपने सारे एक्सपेंस खुद ही निकाल लूँगा, अगर नहीं मिलेगी इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा, डजेंट मैटर आप कनाडा में किस प्रोविंस में रहते हो, किस सिटी में रहते हो। देखो यार यहाँ पे एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसलिए बहुत मैटर करते हो क्योंकि आपको जितनी भी जॉब्स मिलती है पार्ट टाइम, फुल टाइम, डजेंट मैटर आप कहीं भी रहते हो, वो आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिलती है, और रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं आपको फाइनेंशियली हेल्प करने में भी, अगर आपको किसी चीज़ की राय लेनी है, अगर देखो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और वही हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जितना अगर आप किसी समझदार बंदे से एडवाइस लोगे तो आपको एक समझदारी का स्टेप बताएगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ें करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, तो यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं, मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस कॉन्टैक्ट, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। कैनेडा इज नॉट सेफ एनीमोर, रॉबरी, थेफ्ट यह बहुत आम हो गया है, द रीजन इज डैट जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, रिफ्यूजी आते जा रहे हैं, स्टडी परमिट बच्चे आते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं, प्रोडक्शन इतना है नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होगी तो पैसा नहीं कमाओगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो अपने एक्सपेंस निकल पाओगे, तो बंदा करेगा क्या, चोरियाँ करेगा पैसे कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। नॉट एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, डजंट मैटर वो बंदा किस नेशनैलिटी, डजंट मैटर वो कैनेडियन भी हो,
ये बहुत आम हो गया, बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली ओंटेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। ओंटेरियो में स्पेशली जीटी एरिया में, ग्रेट टोरंटो एरिया में, जितने भी मिसिसागा, जितनी भी सिटीज़ लाइक मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्क्रॉबरो, ये जितनी भी सिटीज़ हैं लाइक लंदन, हैमिल्टन, यहाँ पे चोरियाँ और रॉबरी, थेफ्ट बहुत आम हो गई है। लोगों के पास नौकरी नहीं होती, लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो गए। तो इतना कॉमन भी नहीं है लेकिन कॉमन हो गया है, लेकिन चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, और गाड़ी की चोरी होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो होता क्या है, इसका सीन बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर गाड़ी की चोरी, देखो हर गाड़ी की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मुझे दूसरी गाड़ी दे देगी। पुलिस वाले कहते हैं अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, हम आपकी FIR कर देते हैं, FIR की हम रिपोर्ट लेके हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमें दूसरी गाड़ी दे देगी। हम बोले कि हमारी ये गाड़ी थी, ये ऐसा ऐसा था, इस डेट को, इस तारीख को, इस टाइम पे हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, ये FIR की रिपोर्ट है, इंश्योरेंस कंपनी को दी, इंश्योरेंस हमने क्लेम कर ली, हमें नई गाड़ी मिल गई। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चोरी होती है वो मिडिल ईस्ट या अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चली जाती है, बेच दी जाती है, और एज इट एज, मतलब नंबर समेत। और ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। अगर आप एक आंकड़े के हिसाब से, अराउंड हर साल टोरंटो एरिया में, जीडी एरिया में 10,000 गाड़ियाँ चोरी होती है, 10,000 कार्स चोरी होती है। सो इट्स वेरी कॉमन। और लोग सोचते हैं यार कि नौकरी करके क्या करेंगे, दिस इज़ द इजी वे टू अर्न मनी, अर्न मनी और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका है। तो लोग करते हैं, खैर नौकरी करेंगे $14 में, $15 में, $16 में पर आवर के हिसाब से, इससे अच्छा है कि चोरियाँ करते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं। और ये बहुत कॉमन हो गया। आप ऐसी, मैंने खुद देखा अपने सामने, अगर आप वॉलमार्ट में जाते हो, कॉस्को में जाते हो, डिफरेंट रिटेल स्टोर्स में जाते हो, लोग सामान उठाते हैं अपनी जेब में डाल लेते हैं, कपड़े पहन के लाइक चेंजिंग रूम में जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। इट्स वेरी कॉमन। मतलब बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो नहीं है, बट आई वुड से क्राइम काफ़ी बढ़ जा रहा है, मर्डर से रिलेटेड क्राइम, थेफ्ट, रॉबरी, स्नैचिंग, बहुत क्राइम बढ़ गया है। बट इतना भी नहीं बढ़ा है, लेकिन इट्स डिपेंड किस प्रोविंस में है। ओंटेरियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में तो काफ़ी बढ़ गया है। ओंटेरियो में तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा है, जीटीए एरिया साइड, लंदन, स्कारब्रो, हैमिल्टन, ये और ब्रैम्पटन साइड काफ़ी बढ़ गया है। बट आई वुड से अगर आप कहीं भी जा रहे हो, मेक श्योर यू आर चूजिंग अ राइट प्रोविंस, जहाँ पे आपको PR ईजिली मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, लर्न इट, अगर स्किल्स है मल्टीप्लाई इट, और जहाँ पे आप स्किल्स हो गए तो अच्छा पैसा कमा लोगे, और आपकी स्किल्स की सही तरीके से यूज़ भी किया जाएगा। एंड आखिरी में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कनाडा में ना पैसा बिजनेस के अंदर है, जॉब में नहीं है। जॉब में तभी है जब आप मेडिकल फील्ड में हो, IT फील्ड में हो, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव, क्योंकि यहाँ पे घर खरीदना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर साल घर की जो रेट है वो 7% 8% बढ़ रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय होम अगर आप वर्क परमिट पे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वर्क परमिट करवाऊँगा, PR भी आपने ले लिया, आप सोच रहे हो कि मैं बाद में घर खरीद लूँगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स डिपेंड, अगर किसी रूरल एरिया में जाते हो, किसी टाउन में रहते हो, मतलब कंट्री साइड रहते हो, तो आप शायद ले लोगे। अदरवाइज अगर किसी सिटी में रहना चाहते हो, किसी आप डेवलप्ड जगह पर रहना चाहते हो, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट्स डिफिकल्ट टू बाय अ होम। आपका सपना वाला घर सपना रह जाएगा यहाँ पे। लास्ट पॉइंट इज, अगर आप लोन लेके आ रहे हो, आप अपनी सेविंग तोड़ के, FD तोड़ के आ रहे हो, अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात आपको रिटर्न चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, रिटर्न तभी मिलेगा जब आपने प्रोविंस को ढंग से चूज़ किया होगा, आप सही सिटी में जा रहे होगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और जब आपके पास स्किल्स होगे। स्किल्स नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाओगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा। डजंट मैटर किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर किस सिटी में रहते हो, अपने एक्सपेंस भी नहीं निकाल पाओगे, और PR का तो बात की बात है, पहले आप आ ही जाओ। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो तो मेक श्योर लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। देखो एक ही चीज़ कहूँगा, फ्रेंच की बहुत डिमांड है, कस्टमर स्किल्स में, सेल्स में, मार्केटिंग में। आप फ्रेंच में किसी को सिखाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग पढ़ाना चाहते हो, कोचिंग देना चाहते हो, बहुत डिमांड है। पैसा आपको कमाना आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करना आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको आराम से मिलती नहीं है। देखो बिना खोए कुछ भी नहीं मिलता, बिना खोए कुछ नहीं मिलता, जन्नत भी जान मांगती है। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ रोड मैप एंड बी मेंटली स्ट्रांग। नो वन विल हेल्प यू आउट, नो वन विल हेल्प यू आउट, डजेंट मैटर। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, अच्छे लोगों की बहुत कमी है। मेक श्योर यू शुड बी अ वन, बी अ गुड ह्यूमन, और लोगों की हेल्प करना बिना किसी उम्मीद के। और अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो तो कोई नए नए लोग आ रहे हैं तो हेल्प देम ऑल्सो। सो वीडियो को इंपेंड करता हूँ, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना। तब तक के लिए जय हिंद।